ये जो हॉट वाटर है अब मैं इन कंटेनर्स के अंदर फिल करने वाला हूँ। भैया टेम्परेचर इतना ज़्यादा शो हो रहा है यहाँ पर, अप्रोक्स 3 से 4 घंटे के बाद में इनको वापस से हम ओपन करेंगे उसके। भैया किसकी भैंस जो है कितनी पानी में है। कभी भी किसी भी तरह का कोई भी लंच बॉक्स अगर आप परचेज करते हैं तो आप अपनी परचेजिंग से पहले क्या देखते हैं उस लंच बॉक्स में, वो लंच बॉक्स फूड ग्रेड होना चाहिए। साथ ही साथ जो भी खाना ले जा रहे हैं वो फ्रेश होना चाहिए, लंबे टाइम तक गर्म रहना चाहिए। साथ ही साथ उसकी क्वालिटी स्टील की ऐसी हो कि भैया स्टील के अंदर कभी किसी तरह का कोई कंप्लेंट ना आए, एयर टाइट हो, और साथ ही साथ आपके लिए एक वैल्यू टू मनी लंच बॉक्स भी होना चाहिए। एक बार पैसा खर्च करने के बाद में सालों साल चले तो ये सारी की सारी फीचर्स उस लंच बॉक्स में होने चाहिए। बाजार में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, ठीक है, वो आपको अलग अलग जो है प्रोडक्ट आपको देते हैं कि हमारा लंच बॉक्स लो इसके अंदर ये खूबी है, हमारा लंच बॉक्स लो ये खूबी है, ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। तो आज है हमारे पास में 3 बहुत ही शानदार लंच बॉक्स जो कि सिग्नोरावेयर, मिल्टन और मिल्टन। तो गाइज मैं हूँ लोकेश और शॉपिंग विद लोकेश में आपका स्वागत है, और आज के वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि भैया ये जो है यहाँ पर 3 अलग अलग टाइप की जो है लंच बॉक्सेस मेरे पास में रखे हैं, उन लंच बॉक्सेस में कितनी देर तक खाना आपका गर्म रह सकने वाला है। ये तीनों लंच बॉक्सेस के ऊपर अपन प्रैक्टिकल करेंगे, मतलब मेरे पास में यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक केटल रखी है, इस इलेक्ट्रिक केटल के अंदर हम गर्म पानी कर रखा है मैंने, इस गर्म पानी को इन लंच बॉक्स के कंटेनर में हम फिल करेंगे। यहाँ पर मेरे पास में एक थर्मामीटर है, इस थर्मामीटर से आपको बताऊंगा कि इस टेम्परेचर पे मैंने ये जो वाटर का टेम्परेचर ये है, ये टेम्परेचर का वाटर मैंने इस इन कंटेनर्स के अंदर डाला है, उसके कम से कम 4 घंटे बाद में इस कंटेनर को खोलने के बाद में फिर वापस से आपको टेम्परेचर बताऊंगा। तो ये पूरी प्रोसेसिंग हमारे लिए थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मगर आपके लिए ये कुछ भी नहीं है। तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए ताकि आप लोगों को वैल्यू टू मनी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल सके। इनमें से किसी भी लंच बॉक्स अगर आप परचेस करना चाहें तो मेरे दिए गए एफिलिएट लिंक जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ वहाँ से इजीली परचेस कर सकते हैं। दिए गए लिंक से आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की आवश्यकता नहीं होती, बहुत ही अच्छे डिस्काउंट का लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा, बेझिझक वहाँ से परचेस कर सकते हैं। इस टाइप की वीडियोस में जनरली लेके आता रहता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले जो है मेरे पास में सिग्नोरावेयर का एक बहुत ही प्यारा सा डबल वॉल लंच बॉक्स है, ठीक है। तो डबल वॉल लंच बॉक्स कैसा होता है मैं बता देता हूँ। डबल वॉल लंच बॉक्सेस में क्या होता है कि आपको कुछ इस टाइप के कंटेनर्स मिलते हैं, यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, जैसे ही मैं कंटेनर को ओपन करता हूँ यहाँ पर एक स्टील की प्लेट निकलती है, यहाँ पर 2 वॉल है, ठीक है, अंदर एक वॉल, अंदर की तरफ एक वॉल और बाहर की तरफ एक वॉल, दोनों वॉल के बीच में इंसुलेशन होता है, तो ये खुद एक कंटेनर गर्म खाने का कंटेनर बन जाता है, एक इंसुलेटेड कंटेनर बन जाता है जो आपके खाने को गर्म रख सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, आपको जो बैग है वो भी इंसुलेटेड बैग मिल जाता है, जो कोशिश करेगा कि ये जो खाना इस कंटेनर में गर्म है उसको और ज़्यादा देर तक गर्म रख सके, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में है मिल्टन का ये टेस्टी लंच 3 लंच बॉक्स, बहुत ही शानदार रिटेल के अंदर सेल होता है, ऑनलाइन भी काफ़ी अच्छे इसके रिव्यू हैं, तो ये देख सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेयर कंटेनर्स मिलने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूँ कुछ इस टाइप के कंटेनर हैं यहाँ पर, एक कंटेनर, दूसरा कंटेनर और तीसरा कंटेनर, ये तीनों ही कंटेनर्स जो हैं आपके सिंगल लेयर कंटेनर्स हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी जो है डबल वॉल नहीं है, सारे के सारे सिंगल लेयर कंटेनर मिल रहे हैं। उसके बाद में मैं आपको बता दूं मेरे पास में एक लंच बॉक्स और है जो मिल्टन का काफ़ी सुपरहिट लंच बॉक्स माना जाता है, वो है मिल्टन का ये इकोना डिलक्स 3 लंच बॉक्स, एयरटाइट लंच बॉक्स है, ये भी सिंगल लेयर कंटेनर्स के साथ में ही आपको मिलता है, मगर जो आउटर का जो कंटेनर है, जो आउटर का जो बॉक्स है वो पूरा का पूरा इंसुलेटेड है। यहाँ पर भी जो आउटर का बॉक्स है, आउटर का जो बैग है वो पूरा का पूरा इंसुलेटेड आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ पर आपको जो 3 एयरटाइट कंटेनर्स मिलते हैं, जो एयरटाइट कंटेनर्स हैं कुछ इस टाइप के होते हैं, हर कंटेनर के ऊपर स्टील की जगह यहाँ पर आपको एक प्लास्टिक की एयरटाइट लिड मिल जाती है, इसकी वजह से जो आपका लंच है वो लीक नहीं करता है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपको एक बहुत अच्छा इंसुलेटेड बॉक्स मिल जाने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर आपको पता चल जाने वाला है कि भैया इन तीनों लंच बॉक्सेस के अंदर कौन विजेता रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इनके बॉक्सेस को साइड में करके सबसे पहले इलेक्ट्रिक केटल के अंदर जो भी लिक्विड रखा है मैंने, जो भी पानी रखा है उसको मैं थोड़ा सा गर्म कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो केटल है इसके अंदर मैंने पहले से थोड़ा सा गर्म करके रख रखा था, थोड़ा सा एक बार मैं और गर्म कर लेता हूँ, और जब जितने मैं सारे कंटेनर्स को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, जब तक पानी गर्म होगा तब तक ये सारे कंटेनर्स जो हैं ओपन हो जाने वाले हैं। ये थर्मामीटर है हमारा, उसके बाद में मिल्टन के ये सारे कंटेनर्स को मैं ओपन कर लेता हूं, सबके अंदर हम जो है उबलता उबलता सा पानी डाल देंगे, मतलब ऐसा नहीं कि ज्यादा उबलता हो ताकि मेरा हाथ ही जल जाए, ऐसा गर्म पानी भी नहीं रखने वाले हैं, काफी गर्म पानी जो है मैं इसके अंदर फिल करूंगा, मतलब उसके बाद में आपको टेंपरेचर भी बताने वाला हूं। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो हॉट वाटर है अब मैं इन कंटेनर्स के अंदर फिल करने वाला हूं, ठीक है।
सब कंटेनर्स में अप्रॉक्स बराबर जो इक्वल वाटर आ चुका है। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ टेम्परेचर, ठीक है, कि भैया इनका टेम्परेचर कितना है। तो सबसे पहले मैंने थर्मामीटर ओपन कर लिया है इस तरीके से। अब आपको पता चलेगा कि भैया किस टेम्परेचर पे जो है, ये आप देख सकते हैं कि अभी मैं आपको बता दूँ, ठीक है, ये आपको मैं एक्चुअल टेम्परेचर बता देता हूँ। भैया टेम्परेचर इतना ज़्यादा शो हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो थर्मोमीटर है हमारा, ये टेम्परेचर बता ही नहीं पा रहा है। यहाँ पर एच आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो गया है इसकी वजह से। अप्रॉक्स ये जो मैंने बॉयल वाटर के आसपास ही इसके अंदर वाटर डाला है, तो ये अभी एच दिखा रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो अभी जो है इसके अंदर जो एक्चुअल जो इसका टेम्परेचर वो पता नहीं लग सकता। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबको जो है कंटेनर्स को एकदम अच्छे से जो मैं है इनको अच्छे से मैं पैक कर देता हूँ। के बाद में मैं आपको बताऊंगा टाइम, जो मेन जो टाइम है वो आपको पता चलना जरूरी है, ताकि आपको पता चल सके एकदम एक्चुअल जो सच्चाई है वो आपके सामने आ सके। ये देखिए, अब मैं मिल्टन को भी रख देता हूँ। जिस टाइम पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, अब समय आ रहा है 2:36, दोपहर के 2:36 पे मैंने इन तीनों लंच बॉक्स को अच्छे से पैक कर दिया है। अप्रॉक्स 3-4 घंटे के बाद में इनको वापस से हम ओपन करेंगे, उसके बाद में पता चलेगा कि भैया कितनी देर तक जो है आपका खाना गर्म रहने वाला है, ठीक है भैया। तो भैया 3 घंटे का समय जो है समाप्त होने वाला है और हमारा और आपका सस्पेंस भी फिनिश होने वाला है। तो भैया ये जो तीनों के तीनों लंच बॉक्सेस आपके सामने हैं और ये जो थर्मामीटर भी आपके सामने है, तो जल्दी से हम ओपन करके देखते हैं कि भैया किसकी भैंस जो है कितनी पानी में है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसे ओपन करता हूँ, यहाँ पर एक कंटेनर, इसका भी मैं जो है एक कंटेनर निकाल देता हूँ, और यहाँ पर भी जो है एक कंटेनर आपके सामने जो है आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है ये वाला कंटेनर भी आपके सामने है। तीनों ही कंटेनर जो है मुझे गर्म लग रहे हैं काफ़ी, ठीक है। और समय जो है मैं आपको बता देता हूँ कि भैया अभी क्या समय चल रहा है, ठीक है। तो ये देखिए 2:36 के आसपास जो है हमने इसके अंदर गर्म पानी भरा था, अभी जो समय हो रहा है वो हो रहा है 5:33, ठीक है। समय तारीख वगैरह सब कुछ आपके सामने है, और शुरुआत करते हैं हम इन लंच बॉक्सेस को ओपन करके। और मैंने सिग्नोरा वेयर के जो कंटेनर है उसे ओपन किया। सबसे पहले इसका जो टेम्परेचर है हम चेक कर लेते हैं, थर्मामीटर को ऑन किया, यहाँ पर जो है टेम्परेचर शो कर रहा है। अब इसका जो कंटेनर है इसके अंदर का टेम्परेचर भी देख लेते हैं, आप देख सकते हैं जो टेम्परेचर निकल के आया है सिग्नोरा वेयर के लंच बॉक्स का वो है 109.9 डिग्री फ़ारेनहाइट, 109.9 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये है सिग्नोरा वेयर के कंटेनर के अंदर जो भी हमने पानी डाला था उसका टेम्परेचर। ये आपका सिंगल वॉल लंच बॉक्स है, लेकिन अंदर का जो कंटेनर है, अंदर का जो बैग यहाँ पर आपको दे रखा है, यहाँ पर जो बैग दे रखा है ये आपका इंसुलेटेड बैग है, ठीक है। तो इसे वापस मैं ज़ीरो कर देता हूँ, एक तरीके से वापस से टेम्परेचर सेट हो गया है इसका, ठीक है। अब इसका जो टेम्परेचर क्या निकल के आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जो टेम्परेचर आ रहा है वो आ रहा है इसका 95.7 डिग्री फ़ारेनहाइट, 95.7 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं मिल्टन का जो सबसे सुपरहिट मॉडल है, मिल्टन का इकोना लंच बॉक्स, उसकी बात करते हैं। ये जो कंटेनर है काफ़ी गर्म लग रहा है मुझे, ठीक है। अब जो इसका टेम्परेचर है वो मैं आपको बता देता हूँ, मिल्टन के जो लंच बॉक्स का जो टेम्परेचर आ रहा है वो आ रहा है 102.3 डिग्री फ़ारेनहाइट,
तो आप देख सकते हैं, आप एक बार वापस से क्रॉस चेक कर लीजिए। तो इन तीनों ही लंच बॉक्सेस का कंपैरिजन बिल्कुल आपके जस्ट सामने, आप खुद अपने हिसाब से अपने बेसिस पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और मैं बता दूं, यहाँ पर आपको सबसे पहले जो हमारा विजेता लंच बॉक्स है वो है सिग्नल वायर का लंच बॉक्स, देन उसके बाद में मिल्टन का इकोनॉमी डिलक्स 3 लंच बॉक्स, और उसके बाद में ये वाला जो टेस्टी लंच कॉम्बो जो लंच बॉक्स मिल्टन का दे रखा है वो। और एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर आपको 3, 2 और 4 कंटेनर इन सभी के अंदर मिल जाने हैं। सभी का जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ से आप बेझिझक परचेज कर सकते हैं। इस टाइप की वीडियोज़ अगर आप और पाना चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास में आने वाली वीडियोज़ की जानकारी पहुँचती रहे। धन्यवाद।